आपने अब तक जुड़वा या एक साथ तीन बच्चे पैदा होने की बहुत से मामले सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी एक साथ पांच बच्चों के पैदा होने की बात सुनी है? जी हाँ, ये अजूबा है। ये अजूबा हुआ है राजधानी जयपुर के जनाना अस्पताल में, जहाँ 25 साल की महिला ने एक साथ पांच बच्चों को जन्म दिया। सांगानेर की रहने वाली रुखसाना की ये तीसरी डिलीवरी थी, जिसमें तीन लड़के और दो लड़कियां पैदा हुई। इनमें से एक लड़के की मौत हो गई, बाकी के चार बच्चों को आईसीयू वार्ड में रखा गया है। वहीं सातवें महीने में ही एक साथ पांच बच्चों को जन्म देने के बाद महिला को भी आईसीयू में रखा गया है। और जनाना में मुझे ये पहले से पता था कि पांच बच्चे हैं, और जब आई थी तो इनके दर्द हो रहा था, इसलिए फिर इनका बच्चे मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है और होते रहे, बट ऐसे रेयर ही होते हैं। कारण तो देखो, ये वैसे ज़्यादातर तो ये ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए ड्रग्स देते हैं, उससे होते हैं, पर इसने कोई दवा नहीं खाई है, इससे पूछा था, इसके तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले कुदरत के ही। अस्पताल में आमतौर पर जन्म लेने वाले बच्चे का वजन 2.50 से 3.50 किलो तक होता है, लेकिन इन बच्चों का वजन 1 से 1.5 किलो के बीच है, लिहाजा इन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं एक बच्चा मां के पेट से ही मृत पैदा हुआ था, बाकी के चार बच्चों की हालात सामान्य बताई जा रही है। डॉक्टर के अनुसार रुखसाना का प्रसव सामान्य हुआ है, ऐसे में पांच बच्चों के जन्म के साथ ही यूट्रस का सिकुड़ना कम हो गया था, जिसकी वजह से रक्त प्रभाव ज्यादा हो गया था। हालांकि डॉक्टर ने सफलतापूर्वक हालात को संभाल लिया है। इन ऐसे जो केस होते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी के, उसमें यूट्रस बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ऐसे केस में सिकुड़ने में बहुत रिस्क रहता है, वो सिकुड़ नहीं पाता है, तो इनको पीपीएच होता है, जो ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद में, उसको पीपीएच बोलते हैं, उसका बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और हमारी टीम ने पूरा अच्छे से मैनेज किया और महिला भी स्वस्थ है। डॉक्टरों ने बताया कि आमतौर पर दवाइयां लेने की वजह से 2 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, मगर रुखसाना ने कोई दवाई नहीं ली, इसलिए इसे कुदरत का खेल ही कहा जा सकता है। इससे पहले गुजरात में भी एक मां के पेट से 11 बच्चे पैदा हुए थे,